तत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्ताख्यं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। ये जो पांच तत्व भगवान ही निजे, जने होचंति भक्त रूप, आउ जने भक्त स्वरूप, आउ जने भक्त अवतार, आउ जने शुद्ध भक्त, आउ जने भक्त शक्ति। भक्त रूप होचंति स्वयं कृष्ण निजे गौरांग महाप्रभु रूप रे आसिले। भक्त स्वरूप होचंति भगवान कर जिए प्रकाश बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु रूप रे जे आसिले। भक्त अवतार जे महाविष्णुंकर अवतार, जे विष्णु महाविष्णु अवतार अद्वैत आचार्य प्रभु आपण देखिथिबे जे हाँ। भक्त शक्ति जे गदाधर पंडित जे राधारणीकर स्वयं अवतार, चैतन्य महाप्रभु जे तो सन्यासी रूप से सारा जगत रे प्रचार करिवे, तेणु स्त्री रूप से आसिले तंकर सेवा करिपरिवे नी, तेणु पुरुष स्वरूप नहीं कि प्रकट हेले राधाराणी जे गदाधर पंडित। आउ नारद ऋषि अवतार जी भक्तराज शुद्ध भक्त श्रीवास पंडित, जहाँ अगणारे चैतन्य महाप्रभु सब समय कीर्तन करुले। तेबे ये पांच जन भितरु तीन जन होचंदी विष्णु तत्व, आउ दी जन रु जने होचंदी शक्ति तत्व, जने होचंदी भक्त तत्व। तांकर भक्त तीन जन जो विष्णु तत्व, चैतन्य महाप्रभु जे भक्त रूप विष्णु तत्व निजे स्वयं कृष्ण, बलदेव प्रभु तांकर प्रकाश जे नित्यानंद प्रभु, श्रीकृष्ण चैतन्य माने चैतन्य महाप्रभुंकर सन्यास नामटा होची श्रीकृष्ण चैतन्य। आज बेसी घाव घाव होची टिके कम कर दे पड़े। हरे कृष्ण, हाँ ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य होची भगवान चैतन्य महाप्रभुंकर सन्यास नाम बुझिपारे। नित्यानंद प्रभु जी नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभुंकर अवतार, आउ महाविष्णु जे पंचतत्व फटरे देखिए मझीरे ठिया होती हाथ उठे सी होती किए चैतन्य महाप्रभु। दक्षिणे निताई चांद बामे गदाधर, दक्षिण रे जी अच्छा नील कलर वस्त्र परिधान करके से होती नित्यानंद प्रभु। आउ दक्षिण प्रदेश रे जी विशेष भाव देखा जाए से मध्य नाली वस्त्र परिधान करिसंती जे होचंती गौर गदाधर पंडित, आउ जहांकर दाढ़ी अच्छी बाम पटे नित्यानंद प्रभु पाखरे ठिया होती से होचंती किए अद्वैत आचार्य प्रभु। एवं एपटे जी आउ दक्षिण पटे जी अच्छा बाम पटे पुणी गदाधर पंडित पाखरे से होचंती श्रीवास पंडित। ये पंच तत्व सेथरु अद्वैत आचार्य प्रभुंकर आज होची कण आविर्भाव तिथि महाविष्णुंकर अवतार। तांको कुहा जाए गोरा आना ठाकुर, गोरा आना ठाकुर माने सीए प्रथमे जगत रे प्रकट हेले, देखिले लोक माने सबु बिलेई बिलेई की बाहागर करिकी भोजी भात करचंती, किए सबु काली माँ दुर्गा माँ करिकी बळी चढ़िकी निजर जिह्वा लालसा पूर्ति करिया पई देवी माँ को बाहाना बनेकी बळी पकोचंती। जिमती आजिकाली सबू निजे गंजे खाइबा बाहानारे निजर फॉलोअर्स बढ़ेबा पई आगु को निज को रखिबा पई शिवजी को तांका गहन भितरे नै जाउचंती। गंजे खाइया लोक देखियो तांको जदि झटकरी पचारी करे गंजे कहीं खाउचो एटा निशा द्रव्य पाप होची, अरे शिवजी खाउचंती भोलानाथ सी भोलानाथ को प्रसाद ही बाबा, निजे मद खाइबार दुरंत पाप करिवार इच्छा थियो कहे माँ गोटे जूरी चढ़ेगी बाबा मु पिउची ना सेमती पिउनी माँ को चढ़ेगी तापरे पिउची। हाँ ए प्रकार जो प्रकार भावना रे कले भाई से शंकर जी कहे नी तू मोर चेला है कि थिलु तू पिउथिलु बोली जमदूत दीटा ठेगा बेसी देवे साधारण जी पिउथ ताकि टिके दी ठेगा मारि दीटा चाबुक ताले आपको आउ चारा चाबुक बेसी मारे जहाँ कलु कलु वैष्णव श्रेष्ठ शिवजी को निज गहन नहीं जाकू चाहूलु। तेबे अद्वैत आचार्य प्रभु
जगत रे कहले जे हे प्रभु निजे जदि संहार करिवे हतारी गतिदायक विष्णु को हाथ रे जिए मरिवे से तो कौन करिवे वैकुंठ गति पाइवे किंतु कृष्ण प्रेम तो मिलिवन ना तने से कहले प्रभु मु देले केवल एमानको उद्धार करी माने वैकुंठ रु पापरु निवृत्त करे देवी वैकुंठ दे देवी सिना कृष्ण प्रेम दे पारिवेनी आपण निजे आसंतु एठी कौन करिवे नाडार हुंकारे नाडा माने जे अद्वैत आचार्य प्रभु सीए जेतेबले भगवान को आकर्षण कले जल तुलसी दे तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके नवा विक्रीणित स्व आत्मान भक्तेभ्य भक्तवत्सल निजे जल तुलसी दे शालग्राम को पूजा करी भगवान को स्वयं कृष्ण को आकर्षण कले महाप्रभु राधा भाव अंग कांति के नहीं सच्चिनंदन गौर हरि रूप रे प्रकट हेले कृष्ण अवतारे प्रेम रहस अवतारे प्रेम रहस करी गल प्रभु न करे शेष एबे राधा अर्ध अंगरे मिशे उदय जय जय प्रभु श्री जगन्नाथ हाँ महाप्रभु एपटे अद्वैत आचार्य प्रभु डाकिले आउ महाप्रभु कृष्ण इच्छा मध्य थिला सतरे भगवान पूर्ण काम हेले मध्य भक्त पाई स्तन्य काम ही हुंती भगवान नृसिंह भगवान निजे तो प्रकट हेले बहुत प्रकार सड़ ऐश्वर्य प्रकाश कले किंतु भगवान पाखरे से किंतु प्रहलाद महाराज कौन सुखटा मिलूँ से जापारे सच्चिनंदन गौर हरि रूप से मध्य से आसिले कौन पे आसिले श्री राधिका प्रेम श्री राधि श्री राधिका प्रेम महिमा के सन निजर माधुरी के ऊपरी वृषभानु सोता किसुखे मोहिता इतनी विषय लोभ करी राधा अवधरी श्री राधिका प्रेम महिमा केशन निजर माधुरी क्यों परी ये भगवान एक अद्भुत लोभ है राधाया प्रणय महिमा किदृश ये राधाराणी प्रेमटा किपरि मु थिबा अवस्था रे मध्य मोर कोळरे शयन करी मधुमंगल जेतले कहिदेले केवल मधुसूदन पळेई गले प्रेम सरोवर रे कृष्णंकर कोळरे राधाराणी शयन करिचंती गोटिए भ्रमर राधाराणीकर चरण कमल को पद्म बोली चिंता करी जेतले बुलिला राधाराणीकर निद्रारे विश्रामरे असुविधा हला बोली कृष्ण मधुमंगल को आदेश देले प्रिय नरम सखा को हे मधुमंगल आकु उड़े दियो बुले दियो दूर को पठे दियो मधुसूदन भ्रमर को पठे दे आसी कहले मधुसूदन चली गले राधाराणी मूर्छित हो गले कृष्णंकर कोळरे शयन करी तेणु कृष्ण चिंता करचंती ये राधाराणीर प्रेमटा केमिति मो प्रति जो प्रेम अच्छी मोर सहित थिले मध्य मोर सहित थिले मध्य कौन हो चुपचाप बस मोर सहित थिले मध्य मधुसूदन पळे गला बोली मूर्छित हो जाउचंती तेणु राधाराणीकर प्रेमटा किपरि एटा जानिबा पई कृष्ण के भितर लोभ हला द्वितीय कौन
କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଟା କିପରି ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଧାରାଣୀ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ। ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ସେଟାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପରେ କହିଲେ ବୃଷଭାନ ସୁଥା କିସୁଖେ ମୋହିତା ସୌଖ୍ୟମ ଚାଷ୍ୟଂ ମଦନ ଭବତଃ। ଏଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କ'ଣ ସୁଖ ହେଉଛି। ଏତିନି ବିଷୟ ଲୋଭ କରି ରାଧା ଭାବ ଧରି ଉଦିତ ଶ୍ରୀନବ ଦୀପେ ହରି। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବକୁ ଧରି ନଦିଆ ନବଦୀପ ଧାମରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିନନ୍ଦନ ଗୌର ହରି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପ୍ରଗଟ ହେଲେ। ତଦ୍ ଭାବାଢ଼୍ୟ ସଚିଗର୍ଭ ସିନ୍ଧୁ ହରିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଅତେ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆକର୍ଷଣରୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ସଚ୍ଚିନନ୍ଦନ ଗୌର ହରି ହେଇ। ଅନେକ ତ କାରଣ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବାହନ। ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତ ବଟ ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ଗୁଗଲା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ଅଦ୍ୱୈତ ବଟ ବୋଲି ନାମ ଥିଲା। ମଦନ ମୋହନଜୀ ଯବନମାନଙ୍କର ଭୟରେ ସେବକ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ବଟ ମୂଳରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ମାଟି ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ। ମଦନ ମୋହନ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ, ସିଏ ଅଦ୍ୱୈତ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ, ସିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଅଦ୍ୱୈତ ନ ଦ୍ୱୈତ ଅଦ୍ୱୈତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ କିଏ ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ମାନେ ଅଦ୍ୱୈତ, ଯେ ଭଗବାନ ନିଜେ। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ଆଚରଣ କଲେ ଆଉ ପ୍ରଚାର କଲେ, ତେଣୁ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚାର କରେ ନ କେହ ନା କରେ ପ୍ରଚାର, ପ୍ରଚାର କରେ ନ କେହ ନା କରେ ଆଚାର। ଆଚାର ପ୍ରଚାର ଏଇ ଦୁଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମି ଜଗତର ବନ୍ଧୁ ଜଗତର ଆର୍ଯ୍ୟ। ଯିଏ ଜଗତର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବେ, ଯିଏକି ନିଜେ ଆଚରଣ କରିବେ, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଆଦି ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗକୁ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ରୂପରେ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଭକ୍ତିରେ ଯୋଡ଼ିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ସେଟା ଶ୍ଳୋକଟା, ଆଚିନୋତି ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥମ୍ ଆଚରେ ସ୍ଥାପୟତ୍ୟପି ସ୍ୱୟଂ ଆଚନୋତି ଯସ୍ମାତ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତେନ କୀର୍ତ୍ତିତ। କହିଲେ ଆଚିନୋତି ଯହ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥମ୍, ଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥକୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିବେ, ଆଚିନୋତି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆଚରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟବି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଚରଣରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବେ। ହଁ, ତସ୍ମାତ୍ ତେନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯିବ। ନହେଲେ କୁଳଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇକି 200-400 ଟଙ୍କା ନେଲା ଭଳି କେବଳ କଲେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇପାରିବେନି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଂ ବିଜାନିଆନ୍, ମୋତେ ହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଜାଣ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଂ ବିଜାନିଆନ୍ ନବମନ୍ୟତ କହିରିଚିତ, ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବେ ଅବମାନନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ଜଗତରେ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିକି ବସିବେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେନି। ଆଉ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ମାନିବେ, ଗୁରୁ ଗୁରୁ ବୋଲିକି ହେବେ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସେବାଟା ମିଳିବ।